एसके आई लव यू, आई मिस यू, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ सच में, और अब तो इतना हो गया ना कि मुझे मिलना है, ठीक है। और हम लोग ना आज क्या है डेट, आज 26 है, ठीक है, कल मेरे शूट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाने हैं, ठीक है। हम 28 की सुबह 11 बजे मैं और आप मिलेंगे और खूब 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 ढेर सारा सेक्स करेंगे, ठीक है, और जितना मर्जी चोद लें मुझे चोद लेना, लेकिन किसी और से नहीं मिलना, क्योंकि अगर किसी और से मिलोगे तो मैं नहीं मिलूँगी, बात ख़त्म। हम लोग परसों मिल रहे हैं और वो पूरा दिन मेरा होगा, क्योंकि हमने एक बार नहीं बल्कि 4 बार सेक्स करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिनाहिल मलिक की एक और वीडियो जो है वो सामने आ चुकी है, और ये नाज़ेबा वीडियो जो सामने आई है इसमें वो एक अपने किसी दोस्त को पैगाम दे रही हैं, वो मैसेज पहुंचाना चाह रही हैं। और ये वीडियो सबसे पहले मैंने आपको इसलिए दिखाई, मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता था, मैं ना देखें, मैं ये जो आज का जो व्लॉग कर रहा हूँ ना, वो मैं जो ये बिगाड़ पैदा हुआ है इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा, आप सबके तआवुन की ज़रूरत है, हम सब मिलकर इसको जो है वो बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि ये कहा यह जाता है, मिनाहिल मलिक हो या इमशा रहमान या कोई भी टिकटॉकर जो है, मुझे यकीनन बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी मिनाहिल से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जब वीडियो सामने आई, चले मान लिया एक दफ़ा कि शायद वो अपने करीबी दोस्त के साथ पहले जो वीडियो लीक हुई थी वो वीडियो बना रही थी और वो शहरयार ने जो है वो एसके ने शेयर कर दी और ये सब कुछ किया, लेकिन अब ये जो पैगाम आई, क्या भाई ये रोज़ इन्हीं की वीडियो लीक होती हैं, उनकी वीडियो लीक होती है तो इनको पता भी नहीं चलता, और ये जो वीडियो, ये देखें मेरी बात सुनिए, जिस हालत में, जिस कंडीशन में, जिस तरह से उन्होंने जो कुछ मतलब जो है वो ज़ेब तन कर रखा है, वो आपने देखा कि उस कंडीशन में इन्होंने ये जो किसी को पैगाम भेजा है, पैगाम दिया है किसी अपने दोस्त को, क्या जब ये पैगाम दे रही थी तो क्या इनको पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये जो पैगाम दे रही हूँ, ये जो मैसेज मैं जो डिलीवर कर रही हूँ, क्या इसका मतलब जो है वो रिएक्शन क्या हो सकता है, कि मतलब ये ऐसा नहीं है। पहले हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये वीडियो कोई लीक हो रही है अचानक जो है वो, या फिर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI का जो है वो सहारा लिया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद को फेम करने का चक्कर है। और उसमें क्यों चक्कर है जी, कि अगर इमशा रहमान जो है उसको इतनी पजीराई मिली, इतनी जनाब वीडियो देखी गई सोशल मीडिया पे, हाँ चाहे किसी ने अच्छे या बुरे कमेंट किए, लेकिन क्या है जी कि इमशा रहमान को पहले कोई जानता नहीं था, अब देखें पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया जो है वो इमशा रहमान को जो है वो जानती है, तो हम उससे अब ऐसा ये इस वीडियो आने के बाद ऐसा लगता है कि अब ये जो टिकटॉकर्स हैं, इनको मैं टिकटॉकर क्या कहूँ क्या अल्फाज, दोबारा ये लोग जो हैं ये चाहती हैं ये चंद खवातीन के हम अब क्या है जी, मुकाबला शुरू हो गया, इससे बढ़ के हमने वीडियो बनानी है, हमने उससे ज़्यादा लाइक लेने हैं, हमने उससे ज़्यादा हमारा चर्चा सोशल मीडिया पर होना चाहिए और उससे ज़्यादा हमारे ऊपर जो है वो बात होगी और इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये चीज़ जाएगी, एक से एक नई वीडियो जो है वो हम लीक करेंगी और इन वीडियो का तासुर किया जाता है। ये कभी इन्होंने नहीं सोचा कि हमारे जो नौजवान बच्चे ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं उनके ऊपर क्या तासुर जाता है, हम मुआशरे में कोई बेहतरी ला रहे हैं या हम बिगाड़ पता कंटेंट बनाएं, भाई बहुत अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छे से अच्छा आप कंटेंट बना सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूं मिनाहिल मलिक की, अगर बात करूं तो मिनाहिल मलिक तो ऑलरेडी फेमस थी, अब बात होगी मिनाहिल कहेंगे जी मैं तो फेमस थी मुझे क्या जरूरत थी, भाई अगर आपको जरूरत नहीं थी तो फिर आप इस तरह की वीडियोज क्यों बना रही हैं, अब जो अल्फाज आपने जिन अल्फाज का चुनाव किया है, पैगाम जिस कंडीशन में जिस हालत में जो अल्फाज आप ले रही हैं, जो अल्फाज आपके मुंह से निकल रहे हैं, क्या वो आप देखें क्या आपको ये जेब देता है। अच्छा अब दूसरी बात आगे सेकंड साइड पे जाएंगे, अभी तक जो ये सारा मामला चला है उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, बस कहा यह जाता तो होता ही है कि खुद ही वीडियो लीक कर दी जाती हैं, लीक करने के बाद क्या होता है जी, कहा यह जाता है कि भाई मेरी किसी ने वीडियो लीक कर दी मुझे तो नहीं पता चला, जिसने की है भाई मैं दरख्वास्त दे रही हूँ उसके खिलाफ, जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अपने आप को भी सेफ रखा लोगों के सामने, फिर चंद दिन बाद जो है वो एक बयान दे दिया कि देखें जी हमें तो बड़ा अफसोस है ये सब कुछ क्या हो रहा है, हम तो खुद जो है वो बड़ी परेशान है। अच्छा चलें मान लेते हैं, इनका मौकफ भी जो है वो अख्तियार करते हैं, इनके मौकफ की तायद करते हैं कि चलें जी मान लेते हैं अगर इनके साथ सब कुछ हो रहा है, तो ये इतनी बेखबर हैं कि एक पे एक इनकी वीडियो लीक हो रही है और नई से नई वीडियोज़ आ रही हैं, तो वो इनके सब साथ सब कुछ हो रहा है और इनको पता नहीं चलता कौन सा गैंग है, कौन से लोग हैं, कौन से लोग जो है वो इनके साथ सब कुछ कर रहे हैं,
मकसद सिर्फ ये, अब ये सामने आ चुकी है, असल हकीकत सामने आ चुकी है कि सिर्फ खुद को फेम करने का और कंपटीशन है, एक मुकाबला लग चुका है इन लड़कियों का कि हमने एक से बढ़ के, अगर उसने ये सब कुछ किया था ना, हमने उससे बढ़ के सब कुछ करना है और हमने उससे बढ़ के जो है वो साथ देखिए। सबसे पहले क्या हुआ, मिनाहिल मलिक की वीडियो आई, मिनाहिल मलिक के लीक होने के बाद वीडियो जो है वो किसकी आती है, इमशा रहमान की। और इमशा रहमान की जो ये वीडियो है ना, इससे वो कह रही है कि जिस लड़के ने ये वीडियो लीक की, भाई बात ये है, मान लेते हैं कि उसने गलत किया, जो कुछ किया गलत किया, लेकिन अगर उसने ये मान लें कि वो वीडियो जो है वो आपकी रजामंदी से लीक नहीं हुई है, उस लड़के ने जो है वो गलत किया है, तो आपकी जब ये वीडियो लीक हुई तो आपने इसके ऊपर जो है वो क्या किया। अच्छा अब चलें आगे चलते हैं, उसके बाद मथीरा की जो है वो वीडियो सामने आ गई, मथीरा के बाद फिर जो है वो अब किसकी वीडियो सामने आई, मथीरा की तस्वीरें भी सामने आई, अब मिनाहिल मलिक की एक और वीडियो जो है वो स्कैंडल जो है वो सामने आ चुका है, एक और वीडियो, ऐसी वीडियो जो है वो सामने आई है जिसके अंदर वो एक पैगाम, मतलब आप ये सोचें कि नई से नई वीडियो सामने आना मुआशरे में, हम जो मैंने पहले भी ये लफ्ज़ अदा किया है कि हम जो नौजवान नस्ल है उसको किस तरफ, वो हमारे तो नौजवान पहले भी खैर से जो है वो वेले रहने के पसंद मतलब करते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उनको उस तरफ लेके जा रहे हैं बुराई की तरफ जो है वो। मैं कम अज़ कम देखें, पहली बात तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँ कि मैं औरत की आज़ादी के हक में हूँ। देखें आप यहाँ तक मैं कहता हूँ, आपने देखें जी, आपने जीन्स पहननी है, आपने शर्ट पहननी है, आपने किसी तरह की भी ड्रेसिंग करनी है, आप अपने घर में करें, बाहर अगर आप निकलती हैं आपको अपने कल्चर को, अपनी सारी चीज़ों को जो है वो देखना होता है। और दूसरी बात क्या है कि आप इस तरह की जो वीडियोस बना के आप अच्छा भी कंटेंट बना सकते हैं। पहले मिनाहिल की अगर हम बात करें तो वो तो मॉडलिंग कर रही थी, वो तो अपना मुख्तलिफ जो सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर जो है वो वीडियोस बनाती थी। ये मकसद क्या है, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करने का, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा फेम लेकर आने का। तो अब ये जो चीज़ें सामने आई हैं बड़ी अफसोसनाक और बड़ी ख़तरनाक है, ये बहुत अफसोसनाक चीज़ें हैं और इसको हम सब ने मिलकर जो है वो ठीक करना है। उसमें क्या, हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम अब क्या होगा, अब आज का सारा दिन जो है ना, ये रात से वीडियो लीक हुई भी, अब आज सारा दिन दो तीन दिन बस यही चलेगा कि यार मिनाहिल की वीडियो का लिंक तो देना, मिनाहिल की वीडियो का लिंक तो देना, सारी दुनिया मिनाहिल की वीडियो के लिंक को देखने लग जाएगी, मिनाहिल को देखेगी, उसके बाद उसके ऊपर बैठ के डिस्कस की जाएगी, इसी तरह जो है वो। अब मसला ये है कि हम अगर ऐसी वीडियोस देखना छोड़ दें, हम इसके ऊपर, हम इसकी इस्लाह की तरफ चले जाएं, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यार हम लोग जो है वो हम जो आज की जनरेशन है, हम पढ़ी लिखी जनरेशन है और हम लोग जो है वो इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। अभी जब जैसा कि आपको पता है कि टिकटॉक के ऊपर जो लाइव कंपटीशन हुआ करते थे, मुकाबले हुआ करते थे, और किस तरह से गलीज किस्म की जबान जो है वो इस्तेमाल होती थी, हमने उस वक्त भी वीडियोस बनाई, हमने सब ने मिलकर उसे जो है वो उसकी मजम्मत की, और अब देखें वो चीज़ें जो है वो रुक चुकी हैं। अब इसी तरह हम सब ने कोशिश करनी है कि हमने ऐसी वीडियोज़ का जो है वो बाइकआउट करना है, हमने ऐसी वीडियोज़ नहीं देखनी है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करनी है, और इसको हमने इसकी इसलाह करने की जो है वो कोशिश करनी है। और अगर मिनाहिल जो है ये मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर तो आपके साथ आपके कोई शख्स, आपको आप समझती हैं कि कोई शख्स है जो आपकी ये सारी वीडियो लीक कर रहा है, फिर आप उसके खिलाफ क्यों नहीं स्टैंड ले रही, आप क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही। उसके अलावा जो ये वीडियो पैगाम आया है, जिस तरह की जबान इसमें इस्तेमाल की गई है, जिस तरह की वीडियो बनाई गई है, तो सॉरी मिनाहिल, ये बहुत अफसोसनाक है और हम ये हमारा कल्चर नहीं है, सॉरी, और हम सबको इसको ठीक करना है। तनाजी वीडियो से मुतलिक जो है वो अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।